और यहाँ पे फोकस करिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हैविटेक कितना प्यारा लग रहा है, मशीन के ऊपर आपको हैविटेक लिखा हुआ मिलता है और हम रजिस्टर्ड कंपनी है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का मार्क भी लगा हुआ है मशीन पे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं देख रहा हूँ क्या, अरे बाप रे, तीन तीन मशीनें। तीन तीन तो बताइए ये मशीनें कहाँ काम आएगी जी। ये तो राइस मिल मशीन है हमारा। अच्छा। हलर मॉडल 6W200 मॉडल की राइस मिल मशीन है। तो क्या आप इसे दिखा सकते हैं हमें खोल के? जी बिल्कुल, दिखाने के लिए तो रखे हैं भैया यहाँ पे। जी, जी, दिखाइए। हम ऐसे थोड़ी रखे हैं, देखिए, चलो दिखा देते हैं। ये हलर, ये रोलर होता है, ये हलर। अच्छा। मॉडल की मशीन, यहाँ पे जाली लगती चारों तरफ। अच्छा। और ये इसका हैवी रोलर होता है, देखिए इसमें दांते कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे पट्टी भी लगे हुए, दो पट्टी, तो ऐसे ये घूमता है और एक नंबर क्वालिटी का राइस यहाँ पे हमें बना के देता है और यहाँ से राइस बाहर आता है। अच्छा जी। और इसमें मोटर भी लगा होगा? जी सर, इसमें 4 HP का मोटर लगता है, 100% कॉपर। जी जी, यही मोटर है, 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर लगता है। और यहाँ पे फोकस करिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हैविटेक कितना प्यारा लग रहा है, मशीन के ऊपर आपको हैविटेक लिखा हुआ मिलता है और हम रजिस्टर्ड कंपनी है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का मार्क भी लगा हुआ है मशीन पे। और ये कितने की प्रोडक्शन दे सकती है? ये समथिंग आपका 200 से 300 किलो एक घंटे का प्रोडक्शन देगी, चावल निकालेगी। जी सर। तो सर ठीक है, ये तो मैंने देख ली सर। ये कौन सी मशीन है जरा बताइए? ये हमारी सबसे बेस्ट आटा चक्की मशीन है, 2-in-1 मशीन है दोस्तों। और तो ये 2-in-1 कैसे हुई जरा बताइए? 2-in-1 क्यों हुई, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हॉपर दिया हुआ है जिसमें आप गेहूं, चना और विभिन्न प्रकार के अनाज की पिसाई करेंगे। एक तो पहला हो गया, एक मशीन और दो काम वाली मशीन है ये। दूसरा यहाँ पे एक और हॉपर दिया हुआ है। ये कहाँ लगता है? यहाँ पे लगता है, लगाइए इसको। जी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फिट होता है। अच्छा। ये फिट हो गया। अच्छा। और इसमें अगर आप मसालों की पिसाई करना है जैसे हल्दी मिर्च धनिया, तो सीधे इसके चैम्बर में यहाँ से डाल सकते हैं। इसके लिए हॉपर दिया होता है। जी चैम्बर को ओपन करते हैं। जी तो देखिए ये चैम्बर होता है। अच्छा। ये चार ब्लेड है, चार ब्लेड है और यहाँ पे ये दांते बने हुए, दांतेदार। यहाँ पे एक कटर होता है और ये जाली होता है। अच्छा। इसमें 6 अलग अलग प्रकार की जाली आती अच्छा, है। ये जो रखी है नीचे। जी ये सब जो जाली रखी है, ये अलग अलग प्रकार की जाली आती है। अच्छा। अलग अलग उपयोग के लिए, जितना एक बार में एक ही जाली लगती है। जी एक बार में एक ही लगती है और जितना आपको मटेरियल को फाइन करना है उतना आप कम नंबर की जाली का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 5 नंबर है, मतलब ये 5 नंबर की जाली है और इस जाली 5 नंबर की जाली, जैसे आपको हल्दी को छोटा छोटा टुकड़ों में बांटना है तो उसके लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, या फिर 6 नंबर जाली का भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको मटेरियल को, ये दोस्तों ये 6 नंबर की जाली है, ये 6 नंबर की जाली, इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको मटेरियल को फाइन करना है तो आप 1 या 2 नंबर की जाली का उपयोग करिए और सुपर फाइन आटा या आटा बनाइए। तो क्या ये किसान भाइयों के लिए लाभदायक है? जी बिल्कुल लाभदायक है, किसान भाई इसे, इस राइस मिल मशीन या आटा चक्की मशीन को ले सकते हैं और अपने एक घर से ही बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल बिजनेस जिसको बोलते हैं, आपको शहर आने की जरूरत नहीं है दोस्तों छोटी सी नौकरी के लिए। अच्छा। आप अपने गाँव से ही ऐसे राइस मिल और आटा चक्की की मशीन को लेके, हैविटेक की मशीन को लेके, साथ ही साथ हैविटेक आपको सहयोग भी करेगा, मशीन लेके आप अच्छा व्यापार घर से शुरू कर सकते हैं, अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए, हमने राइस मिल देख लिया, आटा चक्की देख ली, क्या कोई ऐसी मशीन है जिसमें चावल का काम और ये आटा चक्की का काम दोनों का काम हो जाएगा? जी बिल्कुल है, हैविटेक है, मतलब सब मुमकिन है, सब कुछ। अच्छा। है हैविटेक देख सकते हैं, हैविटेक का ब्रांडिंग, साथ ही साथ जैसा कि आपका एक सवाल है। अच्छा। कि आपको राइस मिल और आटा चक्की दोनों चाहिए? दोनों चाहिए, एक ही मशीन में चाहिए। तो ये कौन सी मशीन है? जी ये 6N40 मॉडल की मिनी राइस मिल, कंबाइन मिनी राइस मिल है। कंबाइन क्यों? क्योंकि इसमें आटा चक्की लगा है, इस तरफ आटा चक्की लगा है और इस तरफ लगा है, इससे हम हैमर ग्राइंडर बोलते हैं, और ये राइस मिल लगा हुआ है। तो इसमें राइस मिलिंग और आटा चक्की दोनों को काम होगा, तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं मशीन एक काम अनेक। तो जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ से राइस मिलिंग का काम होता है और यहाँ से ग्राइंडिंग का काम। जी ग्राइंडिंग का काम होता है। अच्छा, और इसमें कितनी जालियां लगती है? इसमें 2 जाली लगती है सर। अच्छा, तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक जाली लगी हुई है, ये बड़े नंबर का जाली है, इसमें बड़ा होल है और एक पतली जाली भी आती है, तो अपनी सुविधा अनुसार
आप यहाँ पे इसमें जाली डाल सकते हैं और अनाज की पिसाई कर सकते हैं, साथ ही साथ मसालों की भी इसमें आप पिसाई कर सकते हैं। तो भाई साहब इसमें और इसमें क्या फर्क है? जी हमने देखा कि वो मशीन भी आटा चक्की का काम करती है और साथ ही साथ मसालों की भी पिसाई करती है। और ये दोस्तों ये हैमर ग्राइंडर होता है और वो एसएस का ग्राइंडर होता है, ड्रम चैम्बर, उसमें 6 जाली आती है। आप जाली थोड़ा उठाइए जी, देख सकते हैं दोस्तों इसमें 6 जाली आती है और एसएस की बनी हैवी जाली आती है और अलग अलग मटेरियल की भी आप इसमें पिसाई कर सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी की पिसाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छा चाहिए तो आप एसएस ड्रम चैम्बर आप इस मशीन के साथ लगवा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आपको एक ही मशीन में राइस मिल और आटा चक्की दोनों चाहिए होगा तो आप इस एसएस 640 मशीन को ले सकते हैं और कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हैमर चैम्बर के बजाय आप एसएस ड्रम चैम्बर भी लगवा सकते हैं अगर आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि ये भी आटा चक्की है और ये भी जी, तो इन दोनों में फर्क क्या है? जी मेजर फर्क देखिए दोस्तों, दोनों ही आटा चक्की है। इसे अगर आप देखेंगे तो ये लोहे का बना हुआ है, हैमर ग्राइंडर जिसको हम बोलते हैं, इसमें मात्र 2 जाली आती है। अगर आप इस वाले आटा चक्की को देखेंगे तो यहाँ पे एसएस का चैम्बर मिलता है और इसमें 6 जाली आती है, पूरी एसएस की बनी हुई जाली, एसएस का चैम्बर, एसएस की जाली। तो अगर आपको ज्यादा क्वालिटी चाहिए, ज्यादा वैरायटी चाहिए, मटेरियल को ज्यादा फाइन करना हो, मतलब ज्यादा वैरायटी के आपको मटेरियल निकालना हो, तो आप एसएस ड्रम चैम्बर के साथ जा सकते हैं। और जिनको भी राइस मिल आटा चक्की के परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वो एक तरफ राइस मिल और साथ ही साथ अगर आपको ये हैमर ग्राइंडर नहीं चाहिए तो जो एसएस चैम्बर है उसे आप इस हैमर ग्राइंडर के जगह पे लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी मशीन कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये दोनों के काम आ सकती है, राइस मिलिंग और आटा चक्की दोनों के लिए, तो इसे हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? जी ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे नंबर चलता है हमारा, उस पर आप फोन लगाइए, इसके बारे में जानिए और मशीन को आप ऑल इंडिया कहीं भी रहते हो मशीन का आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।